और ये आज हम जा रहे हैं एक गाड़ी का रिव्यू करने, BMW। दोस्त से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी भाई साहब, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? सब ठीक ठाक माशाल्लाह, बड़ी अच्छी गाड़ी रखी हुई है। BMW है। अच्छा, इसका हम तारुफ कर सकते हैं गाड़ी का? आपका तो कल तारुफ हो गया था। ज़रूर, क्यों नहीं। अच्छा चलो, मैं इसको बंद कर दें। वो सर्दी है बाहर काफ़ी, आप बाहर आ जाएं। अच्छा तो ये BMW, इसका क्या नंबर है, पीछे लिखा होता है? ये 5 सीरीज की गाड़ी है। अच्छा, BMW फुनफर इसको कहते हैं जर्मन में। फुनफर यानी पांचवी सीरीज वाली ना, 525 E। अच्छा अच्छा 525 E। तो ये कौन सा मॉडल है? 2005 का। 2005 का मॉडल है जी। ये काले रंग की गाड़ी बड़ी मकबूल होती है। और 2005 का, तो इसके सिलेंडर कितने हैं? ये 6 सिलेंडर है। ये तो छोटा सा ट्रक वाला इंजन है इसका, मतलब इसका इंजन हैवी है, बहुत पावरफुल इंजन है। पावरफुल इंजन, बहुत पावरफुल। ये 6 सिलेंडर गाड़ी है, 2005 का मॉडल है। डीजल है या ये पेट्रोल है? पेट्रोल हाँ, लेकिन इसको गैस के ऊपर करवाया हुआ है कन्वर्ट। अच्छा, गैस भी, वो जो LPG ना, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, वो इसके अंदर सस्ती होती है। ये बड़ी गाड़ियों में इस्तेमाल शामिल होती है। ये 6 सिलेंडर है, फिर 5 वाली सीरियल, 3 तक जो मिडिल क्लास है। तो इसका ये खर्चा कितना गया सालाना, जो टैक्स होता है, रोड टैक्स? थोड़ा। अच्छा, थोड़ा कुछ ना ज़्यादा नहीं, फिर भी तकरीबन 170 रुपये करीब। अच्छा अच्छा, और इसकी जो एवरेज है गैस की, मसलन गैस की एवरेज ये कह लें कि तकरीबन 10 लीटर, 11 लीटर 100 किलोमीटर की लेती है। और गैस की प्राइस थोड़ी है? उसकी प्राइस थोड़ी, वो मिल जाती है तकरीबन 52 सेंट की, 51 सेंट की, इसका 5-6 यूरो में आप, ये 7 तकरीबन 6 यूरो में आप 100 किलोमीटर कर लेते हैं। वाह, पाँच तो फिर 6 यूरो में, बहुत चलाने पे डिपेंड करता है, कभी 4 यूरो में भी हो जाता है अगर आप चिंगची की तरह आप चला रहे हैं। हाँ जी, सुन लें जी, बड़ी गाड़ी है, अगर गैस पे कर चलाएंगे तो 5-6-7 यूरो में आप ना 100 किलोमीटर चला सकते हैं। तो अगर ये पेट्रोल पे हो फिर इसका खर्चा बढ़ जाता है तकरीबन, थोड़ा बढ़ जाता है, ये कहते हैं 10 लीटर लेती है 100 किलोमीटर। हाँ, 12-13 यूरो आधा खर्चा है गैस पे ना, गैस पे आधा खर्चा। अच्छा सही है। तो इसके अंदर जो फीचर्स हैं, यानी कि एक्स्ट्राज, जर्मन में एक्स्ट्राज कहते हैं, इसमें हर तरह के एक्स्ट्राज लगे हुए हैं, हर तरह के लेदर लग गया, सीटें लेदर की हैं, ये बेज कलर का लेदर है सारा, ऑटोमेटिक है, पावर विंडो है इसके, ये पावर, ये बाहर वाले शीशे जो बाहर वाले ना मिरर, उसके बाद हीटर वगैरह, सीट में हीटर है। अच्छा। हीटेड है, एयर कंडीशन है, सेंट्रल एयर कंडीशन है, पावर ऑटोमेटिक है जी, एयर कंडीशन ऑटोमेटिक है। फिर ये है नेविगेशन, इसमें लगा हुआ है पूरे यूरोप का। अच्छा देखा ना, ये दिखा रहा है आपको नेविगेशन, ये पूरे यूरोप का नेविगेशन है। वो जी नेविगेशन है अंदर पूरे यूरोप का, आप कोई भी स्ट्रीट डाल के किसी मुल्क की तो ये आपको पहुँचा देता है। तो इसके अंदर ABS, APS और सारे फंक्शन लगे हुए हैं, हर तरह की तकरीबन चीज़ है इसके अंदर। तो ये इसका गियर बॉक्स है, वो मैनुअल है या ऑटोमेटिक? अच्छा, ये बताते हैं दोस्तों, ये पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल और ये ड्राइव। ड्राइव में भी ये 4-व्हील ड्राइव है गाड़ी। अच्छा, हाँ जी, ये नॉर्मल ड्राइव नहीं, 4-व्हील ड्राइव आप उसको यूज कर सकते हैं। जर्मन में ऑल राड, हाँ जी ऑल राड, ये जीप की तरह इसके जो स्लिप वाला कोई खतरा नहीं। और एक और भी है, ये माइनस प्लस का है। हाँ जी, ये आप गियर भी लगा सकते, गियर इसको मैनुअल भी कर सकते हैं, मैनुअल हाथ से भी कर सकते हैं। किस चीज अगर गियर लगाना आगे, ये देखो ना, ये आप ड्राइव पे जा रहे हैं, कहीं चढ़ाई आ गई, आप देख रहे हैं कि गाड़ी जो है ना वो नहीं कर रही, तो ये आप माइनस पे चले जाएंगे। अगर आपकी गाड़ी छठे गियर में तो ये पांचवे में आ जाएगी, चौथे पे आ जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, ये प्लस पे जाएंगे तो ये गियर बड़ा हो जाएगा, माइनस पे जाएंगे तो ये छोटा कर देगी। अच्छा अच्छा, जी देख लें, ये ऑटोमेटिक जो है ना नए मॉडल, इसमें मैनुअल भी आप चला सकते हैं। और पहले ऑटोमेटिक जो है गियर बॉक्स अच्छे नहीं होते थे, अभी ये काफ़ी अच्छे हैं जी। इन्होंने काला पीछे लगाया हुआ है फोलियो, खुद करवाए थे ये, ताकि इसको इधर जर्मन जबान में जोनन शूट्स कहते हैं, कि सूरज से बचत। माशाल्लाह जी, बड़ी अच्छी गाड़ी है। तो इस पे ये होता है कि आप, इतना स्पीड लिमिट नहीं है इस मुल्क में, आप 200, 220, 250 जितना मर्जी 3 घंटा की रफ्तार से चला सकते हैं। अभी आपको ना
इंजन देखते हैं इस गाड़ी का। हाँ जी खोलें जी इंजन। ये इसका इंजन है, सुभान अल्लाह। ये देखें ये ट्रक तरह का इंजन है। ये जी इंजन में मेरा हाथ बंदा डाल नहीं सकता। हाँ ये आम बंदा ठीक भी नहीं कर सकता, बंदा नहीं कर सकता इसको। ये गैस के प्लग वगैरह, ये इसकी गैसकेट लगी हुई है वाली। ये इसका पावर गैस का जो मेन इसका हैंडल। ये देखना जी BMW का 6 सिलेंडर इंजन पेट्रोल वाला। तो ये बहुत ही ताकतवर गाड़ी है। पाकिस्तान में जो ट्रक होते हैं ना वो 6 सिलेंडर के होते हैं छोटे छोटे, ये मजदा टोटा या कोई भी। तो ये बड़ी अच्छी गाड़ी है। हाँ जी इसके पीछे वो वोन वागन जो होती है अनहैंगर, जितना मर्जी वजन डाल लगा दे। हाँ इसके पीछे आप ट्रेले वगैरह भी खींच सकते हैं छोटे छोटे ट्राली का, अनहैंगर लूंगे ना वो भी है। सही है, वजन भी खींच ले इसके साथ जितना मर्जी आप। यानी आप खुश हैं इस गाड़ी से, यानी कि महंगी या? मेरे पास तकरीबन 7 साल से ये गाड़ी। अच्छा, और बिल्कुल मुतमईन हूं। कोई महंगा खर्चा रोज खराब ये चक्कर नहीं इसका बहुत ही कम है। ये बताएं कि हमारे मुल्कों में एशिया में ज़्यादा जापान की गाड़ियाँ पसंद की जाती हैं, आपने इधर ज़्यादा मैं जर्मन ली है, मैं भी जर्मन गाड़ी लेता हूँ, जापानी भी ली हैं, तो क्या फ़र्क है? यहाँ पे मैंने सिर्फ एक जर्मन गाड़ी जापानी गाड़ी रखी थी, लेकिन उसने बहुत तंग किया मुझे। अच्छा, उसका ये है कि वो ख़राब जल्दी हो जाती है, पता नहीं यहाँ के मुताबिक वो उन्होंने यूरोपियन हिसाब से नहीं बनाई। जो नई गाड़ियाँ आ रही हैं उनका मसला ये है कि वो जापानी गाड़ी है, उनके पुर्जे बहुत महंगे मिलते हैं और आपको इंतज़ार करना पड़ता है। ये जो जर्मन गाड़ी है इसका फ़ायदा ये है कि ये एक तो इसके पुर्जे सस्ते हैं, हर जगह से आसानी से मिल जाते हैं, और रोड ग्रिप बहुत ज़्यादा फ़ायदार गाड़ी है भागने में भी, और एक्स्ट्राज इनके अंदर तकरीबन सेम ही जैसे जापानियों में वैसे इनमें है। अब मैंने 15-16 गाड़ियाँ ली हैं, ये मैं शार्ट बताऊँगा कि इस मुल्क में जो है ना स्पीड लिमिट नहीं है, आप 300 पे चलाओ 400 पे चलाओ, जितना भी जिधर शील्ड आएगी उधर आपने उस शील्ड को क्रॉस नहीं करना। तो वो इस तरीके से गाड़ी बनाते हैं कि अनलिमिटेड जो है ना बगैर किसी लिमिट के गाड़ी दौड़े और रोड से हटे ना, स्लिप ना हो। तो फिर इस मुल्क में सर्दी होती है, ये देख रहे हैं अभी मौसम कितना वो सर्द है और नमी है, इसमें जंग लगता है, तो इन गाड़ियों को जंग ना लगे, ये दोनों चीज़ें हैं। तो चलाने में भी मज़ा, रखने में भी मज़ा। तो बाकी जापानी गाड़ियाँ भी बहुत अच्छी हैं, उनके हम खिलाफ नहीं हैं, वो भी बहुत अच्छी हैं। कोरियन भी अच्छी हैं, हर मुल्क की गाड़ी तो अच्छी होती है, मगर हम इस मुल्क के हिसाब से ये कहेंगे कि जापान जो जर्मन गाड़ी है ऑडी BMW और मर्सिडीज, इनकी बहुत सारी खूबियाँ हैं, ये आम बंदा भी ले सकता है। चले सही है, बंद कर दें जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपका कल इंटरव्यू लिया था, तो नाज़रीन इंशाल्लाह देखेंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। ओके जी, खुदा हाफ़िज़।